हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप भी ड्रीम इलेवन में टीम बनाते हैं तो टीम बनाते वक्त यहाँ पे एक न्यू मेथड के बारे में बताने वाले हैं। जो इस तरह से आप टीम बनाएंगे, कैप्टन और वाइस कैप्टन सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो है रैंकिंग बहुत अच्छा आएगा, यानी कि रैंक वन आने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने दो मोबाइल को ओपन कर लिया। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करते हैं कि कोई भी आप टीम बनाते हैं तो यहाँ पे सिंपली आप क्लिक करते हैं, उसके बाद क्रिएट टीम के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे इस तरह से आप टीम बनाते हैं। इस तरह से आप प्लेयर को सिलेक्ट करते हैं और आप यहाँ पे ये आप देखते हैं कि सिलेक्टेड बाय कितना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से आप सिलेक्ट करके यहाँ पे आप टीम ऐसे टीम को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करके आप यहाँ पे कैप्टन और वाइस कैप्टन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे ऐसे ही अंदाजे टीम लगा देते हैं। ये बहुत पुराना तरीका हो चुका है इस तरह से टीम बनाने का, इसलिए आपका जो रैंक है रैंक बहुत कम आता है। अगर आप पहले से रिसर्च कर चुके हैं तो इस तरह से आप टीम बना सकते हैं। अगर आप जल्दबाजी में टीम बनाना चाहते हैं तो मैं आपको एक न्यू तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप अच्छी तरह से टीम बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आपको वेट करना होगा लाइनअप साउट का, जिससे कि अनाउंसमेंट होता है उसका आपको वेट करना होगा। तो यहाँ पे आपको वेट करने के बाद यहाँ पे जब लाइनअप साउट हो जाएगा तो सिंपली उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देना है, उसके बाद क्रिएट टीम पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे इस तरह से आपको टीम नहीं बनाना है। अब यहाँ पे जो तरीका यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, सबसे पहले आपको यहाँ पे देख लेना है, गाइड आपको मिल जाता है यहाँ पे क्या है, एवरेज स्कोर 156 कराने वाला, इस तरह से आपको मिल जाता है। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक तीन ऑप्शन आता है, प्रीव्यू, लाइनअप, नेक्स्ट। तो यहाँ पे आप लाइनअप पे जब क्लिक करेंगे, लाइनअप पे क्लिक करेंगे देख सकते हैं इस तरह से आपको एक ऑप्शन मिल रहा है। और जबकि यहाँ पे जब आप क्रिएट टीम के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इस तरह से आपको ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पे ये पता नहीं चल रहा कि कौन सा बैट्समैन जो है कितने नंबर पर बैटिंग करने आएंगे या नहीं आएंगे। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है, देख सकते हैं बैट्समैन आपको पता चल रहा है कि कौन कितने नंबर पर बैटिंग करने आएंगे। जैसे शुभम गिल एक नंबर, ईशान किशन दो, सूरज कुमार यादव तीन, तिलक वर्मा चार, हार्दिक पांड्या पाँच, संजू सैमसन छः, अक्षर पटेल सात, रवि बिश्नोई आठ, अर्षदीप सिंह नौ, युजवेंद्र चहल दस, मुकेश कुमार 11। इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से वेस्टइंडीज की तरफ से देख सकते हैं वी किंग, केल मियर्स, चार्ल्स, निकोलस पूरन, पोवेल, हेटमायर। इस तरह से आपको पता चल जाता है कि कौन कितने नंबर पर बैटिंग करने आते हैं। साथ ही साथ आपको क्या पता चलता है, अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर सिलेक्टेड बाय पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको कितना ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऑप्शन आपको मिल रहा है। अब यहाँ पर ड्रीम टीम यहाँ पर देख सकते हैं आ रहा है। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद अब आपको क्या पता चल रहा है, अब यहाँ पे आपको ये पता चल रहा है कि कौन सा प्लेयर जो है ड्रीम टीम में आ चुके हैं। यहाँ पे आप देखते हैं 100% ड्रीम टीम बी किंग, यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं शुभम गिल नहीं आया, ईशान किशन नहीं आया, 0% यहाँ पर दिखा रहा है, तिलक वर्मा 100% दिखा रहे हैं, हार्दिक पांड्या 100% दिखा रहे हैं, पोवेल 100% दिखा रहे हैं, निकोलस पूरन 100% दिखा रहे हैं। तो इस तरह से आपको 100% दिखा रहे हैं, 100% दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये पता चल रहा है कि कौन सा प्लेयर जो है ड्रीम टीम में आ चुके हैं। उसके बाद अब यहाँ पे आप जब क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे रन्स पे जब आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद अब आपको क्या पता चल रहा है कि जैसे कि यहाँ पे रन्स पे अभी क्लिक नहीं हुआ, रन्स पे मैं क्लिक करूँगा। रन्स पे क्लिक करने के बाद अब आपको क्या पता चल रहा है कि कौन सा बैट्समैन जो है कितने रन मारे हैं। यहाँ पे 28 रन, 1 रन, 3 रन, 41 रन, 48 रन यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इधर शुभम गिल 3 रन, ईशान किशन 6 रन, सूरज कुमार यादव 21 रन, तिलक वर्मा 39 रन। तो इस तरह से देख सकते हैं रन आपको पता चलता है, उसी तरह से आपको विकेट पता चलता है। अब यहाँ पर कैप्टन बाय, वाइस कैप्टन बाय, अब यहाँ पे कैप्टन बाय पे जब आप क्लिक कर दें तो यहाँ पे 2200 प्लेयर का ऑप्शन मिल जाता है। ये बहुत बढ़िया बात है कि किस प्लेयर को सबसे ज़्यादा कैप्टन सिलेक्ट किया है, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा प्लेयर का जो है अभी बोलबाला चल रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए शुभम गिल को 23%, यहाँ पे आप देखते हैं इस तरह से सूरज कुमार यादव को 10%, किल मेयर्स को 3%, यहाँ पे निकोलस पूरन को 5%, पोवेल को 1.74%, हार्दिक पांड्या को 13.21%। इस तरह से देख सकते हैं, इस तरह से आपको पता चल जाता है। उसके बाद अब यहाँ पे आपको क्या पता चलता है, परसेंटेज वाइस कैप्टन बाय, तो यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कितना परसेंट वाइस कैप्टन है ये पता चल जाता है।
तो इस तरह से परसेंटेज कैप्टन और परसेंटेज वाइस कैप्टन से आपको पता चल जाता है। शुभम गिल को कैप्टन सेलेक्ट किए हैं, ईशान किशन को कैप्टन सेलेक्ट किए हैं, सूर्य कुमार यादव को कैप्टन सेलेक्ट किए हैं। तो अब इस तरह से पता चलने के बाद अब आपको यहाँ से आपको टीम बनाना है। अब यहाँ पे आपको टीम बनाना है। अब किस तरह से टीम बनाएंगे यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको नहीं जाना है टीम बनाने के लिए, अब आपको यहीं पे बनाना है। और यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पहले रन्स पे आपको क्लिक करना है। रन्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अब क्या करना है कि आपको जो भी लगता है प्लेयर कि ये सबसे ज़्यादा रन मारेंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्लस पे आपको क्लिक कर देना है। इस तरह से प्लस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे इस तरह से प्लस पे क्लिक करने के बाद अब आपको रन्स पे यहाँ पे क्लिक करके विकेट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि कौन सा प्लेयर जो है विकेट लिए हैं। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पे क्लिक कर दिए। यहाँ पे इस तरह से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे आपको पता चल रहा है, यहाँ पे ग्रीन देख रहे हैं, अभी दो प्लेयर को और सिलेक्ट करना है, नौ प्लेयर सिलेक्ट हो गया है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, जैसे यहाँ पे आप सिलेक्ट हो गया है। अब सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपको जो भी लगता है कि कैप्टन लगता है इसमें 11 प्लेयर में से सबसे ज़्यादा रन या विकेट लेंगे उसको कैप्टन, और जिस जो भी लगता है कि कैप्टन से ज़्यादा थोड़ा बहुत कम पॉइंट्स देंगे उसको आप वीसी बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मुझे लग रहा है ईशान किशन कैप्टन बनाएंगे और वीसी जो है यहाँ पे निकोलस पूरन को बनाएंगे। इस तरह से देख सकते हैं बना लिए। अब यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद कॉन्टेस्ट जो है अब यहाँ पे मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं टीम जो है बन गया है। अब यहाँ पे कॉन्टेस्ट जो है ज्वाइन कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे टीम नंबर फोर यहाँ पे मैं क्लिक करके यहाँ पे ज्वाइन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप न्यू मेथड से आप टीम बना सकते हैं। अगर आपको ये पहले से पता था तो कमेंट में ज़रूर बताएं, अगर नहीं पता था तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।